Hello friends, welcome to our channel EduChem Live Class. जैसे कि हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है सीटेट के बारे में कि कब आपका रिजल्ट की आ सकता है, कब आपके सीटेट के आंसर की आ सकती है. उसके अलावा आपने इसका जो भी पासिंग क्राइटेरिया है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करवाई है. और जो कैंडिडेट्स अगर सीटेट पास करते हैं तो वो किस किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं. तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो हमारे पास है कि सीटेट की आंसर की आज जारी हो सकती है. अगर मतलब कि आज की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका कंफर्मेशन या तो नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर आपके पास आंसर की आ सकती है आज. तो इसके बारे में अपन बात करेंगे किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने पेपर फर्स्ट और सेकंड के आंसर की चेक कर पाएंगे. तो जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि ये जो एग्ज़ाम है 2 साल बाद में हुआ है और इसमें 17 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, मतलब अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, और 58% जो है उसमें गर्ल्स कैंडिडेट्स थी. तो 17 लाख कैंडिडेट्स हैं जो आपके अपने आंसर की और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं. तो ये आपको अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और सीटेट के आंसर की आपको या तो आज मिल जाएगी या फिर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द, मतलब कि आज जैसे कि 21 दिसंबर को आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सीटेट आंसर के रिगार्डिंग, तो वो आपको मिल जाएगा. मतलब कि कन्फर्मेशन आज आपको मिल जाएगा. तो जैसे ही आंसर की आती है आपको CTET.NIC.IN पे जाना है और वहाँ पे जो आपको इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से सीटेट दिसंबर आंसर की ऐसे वहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा और पेपर फर्स्ट और सेकंड की जो है लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको डायरेक्टली. तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको सीधे बस ये दो लिंक प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिसमें आपके जो पेपर कोड वाइज आपके जो भी एग्ज़ाम पेपर हुए थे उनकी आंसर की अवेलेबल होगी. तो आप अपनी आंसर की चेक कर पाएंगे. उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं ये बता देती हूँ आपको कि इसमें आपका, आपने पहले भी सीटेट का जो मैंने पेपर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया था आपने उसमें देखा होगा कि आपके कितना स्कोर आ रहा है. एक्सपेक्टेड तो अपन को होता ही है कि कितना एक मार्क्स अपन स्कोर कर लेंगे. तो अगर आपके 60% अगर आप स्कोर करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे सीटेट के, मतलब आगे जो वैकेंसीज आएगी सीटेट के थ्रू उसके लिए टीचिंग वैकेंसीज जो आएंगी. ठीक है, तो 60% तो आपका स्कोर मिनिमम होना ही चाहिए. जैसे कि 150 मार्क्स का पेपर था तो उसमें से आपके 90 मार्क्स तो आने ही चाहिए. और उसके अलावा जो ST SC OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब उनके 85 मतलब कि उनके 55% मार्क्स होने चाहिए उनके पास. आगे जो अपन बात कर लेते हैं कि आपको इस, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप किस तरह की वैकेंसीज में एलिजिबल होंगे, तो वो है कि आप जो भी KVS NVS ये जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो वैकेंसीज निकलती है उनमें आप अप्लाई कर पाएंगे. तो उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जो भी इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट भी आपका बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा. तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे EduChem लाइव क्लासेस पे. तो आप EduChem लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब करें. उसके अलावा EduChem जो वेबसाइट है EduChem.IN उस पर भी आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. और अगर आपको कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और कुछ चाहिए तो आप हमें फेसबुक पेज या टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और उन्हें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं हमें. तो दोस्तों और भी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे. तब तक के लिए बाय. Thank you.